हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। मैदान में उतरकर सभी प्रत्याशी जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। नरवाना से जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास ने डोर टू डोर प्रचार कर चाबी के निशान पर मुहर लगाने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। नरवाना से जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया। सोमवार को उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत सुभाष नगर से की। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और उसके बाद नया बस स्टैंड रोड और रामनगर में जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं विधायक नहीं आपका सेवक बनकर काम करूंगा। नरवाना की सबसे पहले हमारा प्राथमिकता रहेगी शिक्षा और चिकित्सा की। चिकित्सा की यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। 36 बिरादरी में कोई भी हो इतना और यहाँ कोई है ही नहीं सुविधा, या तो हिसार जाते हैं या रोहतक जाते हैं। और दूसरी बात यह जो हमें एक अगर पब्लिक नरवाना हल्का की हमें सेवा करने का मौका देती है तो विधायक नहीं हम एक सेवादार बन के सेवा करें। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है और अब की बार दुष्यंत सरकार। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है पिछली साल जो पुराना था वो ही नहीं पूरा 154 में, आज कुछ भी नहीं है, सारा लॉलीपॉप दे रही है। और पब्लिक समझ चुकी है कि लॉलीपॉप दे रही है, 5 साल चूस लिया अब नहीं चूसने वाली, अब तो सिर्फ एक ही जबात है हरियाणा की पूरी पब्लिक को, अब की बार दुष्यंत सरकार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को है और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का शहंशाह कौन बनता है। आर9 टीवी के लिए नरवाना से रामनिवास की रिपोर्ट।